टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जेल से छूटने के बाद गैंगस्टर के 50 गाड़ियों के साथ निकला काफिला, दर्ज हुआ केस। रेहाना की टॉपलेस फोटो पर मचा हुआ है बवाल। गुधरा कांड का आरोपी 19 साल बाद हुआ गिरफ्तार, तो कहा महिला के साथ दबंगों ने किया बलात्कार। मीना शाह दरगाह पर 23वां बसंत जगमगा उठा दरगाह परिसर। ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं, पॉप सिंगर रेहाना एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके टॉपलेस फोटोशूट में गणेश जी के पेंडेंट पहनने पर बवाल मचा हुआ है। इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। रेहाना ने इस फोटोशूट को ट्वीट किया है और अन्य सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर किया है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू विरोधी गतिविधियों का माध्यम बन गए लोगों के खिलाफ एक्शन हो, मगर ट्विटर फेसबुक इन लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसे में वीएचपी ने दोनों माध्यमों के सीईओ के खिलाफ मुंबई और दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में गैंगस्टर के जेल से छूटने के बाद उसे फूल से स्वागत किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि गैंगस्टर गजानन मारने का 50 गाड़ियों का काफिला भी निकाला गया। उसके साथ गाड़ियों का काफिला चलता हुआ नजर आया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। गैंगस्टर गजानन मारने के समर्थकों की ये रैली तलोजा जेल से पुणे तक निकाली गई, जिसमें कोरोना से जुड़े तमाम नियमों को दरकिनार कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। गुजरात के गुधरा कांड का मुख्य आरोपी 19 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। आरोपी का नाम रफीक हुसैन है। रफीक हुसैन उस कोर ग्रुप का हिस्सा था जिसने गुधरा कांड की साजिश रची थी। 27 फरवरी 2002 को गुधरा रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों से भरी ट्रेन में आग लगा दिया गया था। तब से कई जगहों पर ठिकाने बदलता रहा यह आरोपी, मगर आखिरकार 19 साल बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा के इंतिया थोक का है, जहां एक महिला के साथ कुछ दबंगों ने बलात्कार किया है। घटना उस वक्त हुई जब महिला शौच से वापस लौट रही थी, मगर महिला की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे से महिला ने मिलकर प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है कि ये तीन लोग जो है जबरदस्ती हमारे घर में आते थे, हमसे नंबर मांगते थे, हमने नहीं दिया नंबर। राजू, गुड्डू, बबलू, ये तो तीन लोग और निवासी इटिया ठोक तेलियानी रोड महसरपुरा। जो हमने जब गए थाने पे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की, वो लोग हंस रहे थे और हमारे साथ इतना घटना हुआ, इतना गलत काम कि मैं क्या करती। हमारे कोई था नहीं वहाँ पे, एक मेरा बच्चा था बचाना है, उसको भी मार लंबा कर दिया। अब मेरे मुझे कहते हैं कि मार देंगे जान से तुम्हें, कि तो यहाँ से चली जाओ, हम कहीं चली जाए। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो आप एसपी ऑफिस यहाँ आई है? हाँ सर, हमको यहाँ से न्याय चाहिए। हमको उन लोगों को मुलजिम को जो है गिरफ्तार, उनको सजा मिलना चाहिए। हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ, हमारे साथ बलात्कार किया उन्होंने। हमारे घर में दो छोटे बच्चे, एक लड़की, हम उसी के बल पर रह रहे हैं और ये लोग जबरदस्ती मुझे तंग कर रहे हैं, रात बिरात घुस रहे हैं हमारे घर में। कई लोग हैं आपके? ये तीन लोग हैं, राजू, गुड्डू, बबलू। हमारे हस्बैंड नहीं, हमारे हस्बैंड दिल्ली में 5 साल हो गया गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। गोंडा के करबला रोड मीना शाह दरगाह में हजरत अमीन खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की याद में 23वां बसंत मनाया गया। इस मौके पर दरगाह परिसर रोशनी से जगमगा उठा, कुल फातिहा हुई और भी अन्य तरह के कार्यक्रमों का इस मौके पर आयोजन किया गया। आज का ये मुशायरा चिश्तिया सिलसिले के, निजामिया सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग, निजामिया शाह के चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हजरत अबुल हसन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हजरत महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा थे और अपने पीर के मस्त बेकूब थे, उनकी याद में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। हजरत बाबा
यहाँ के सज्जादा नशीन अभी जल्दी ही जो हम सबों से रुखसत हुए 13 सितंबर को, उन्होंने इस खानकाह की तामीर तौसी वगैरह में अपने पीर की याद में जो खिदमत अंजाम दी उनमें तकरीबात बसंत पंचमी की होती रही है, और वो बसंत पंचमी की हज़रत अमीर खुसरो की याद में ये प्रोग्राम जो होता रहा।